ये सानी टूर से हम दूसरी मरतबा जा रहे हैं, पहली मरतबा भी गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है और जैसे कि ये बोलते हैं यहाँ पर, इससे कई ज़्यादा ये फैसिलिटी देते हैं वहाँ पर, और इनकी खिदमत वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और वहाँ पर हमारे सब रिलेटिव्स, हमारे जो भी ग्रुप है, हमारे समझो फ्रेंड सर्कल, ये वो तो ये सब माशाल्लाह सानी टूर से ही जा रहे हैं। अभी हम किसी उम्रे को जा रहे हैं, हम सानी टूर से जा रहे हो, वो एकदम अच्छी सर्विस देते हैं, इसलिए हमको मालूम पड़ा था हम वहाँ पर जा रहे हैं। उम्रे के लिए 13 लोग जा रहे हैं और सानी टूर से जा रहे ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इससे पहले जो गए वहाँ पर, उनको वहाँ पर एक उन्होंने जो है एक आलिम हाफिज आदमी वहाँ पर जो है पूरे अरकान करने के लिए रखे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर चीज़ पूरे अरकान करा के जो आदमी यहाँ से लाखों रुपए खर्चा करके जाता तो वो कामयाब होना, इसलिए वहाँ जाता। और कुछ जो है टूर्स वाले वहाँ ले जाके छोड़ देते, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है सानी टूर्स, ये सानी टूर से जितने भी लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिजल्ट जा रहा है, जो कि उसमें हमारे भाई है, भतीजे है, माँ बहनें हमारी यहाँ से जा रही है, और अल्लाह सानी टूर को ऐसी जजाय खैर दे और उनको कामयाबी दे, अल्लाह उनकी हर दुआ से। हम जा रहे हैं सानी टूर की, बहुत सर्विस वहाँ की अच्छी है माशाल्लाह, सबों जो भी उम्रे से आए हुए हाजी आए हुए सबों ने ये उनकी तारीफ करे। कितने लोग जा रहे हैं? हम यहाँ से 30 लोग है, हरसुल से 10 लोग है, 13 लोग है हरसुल से, बाकी के सिटी से सब। Yeah.
मिला आपको अच्छे से कर ये सानी टूर से हम दूसरी मरतबा जा रहे हैं, पहली मरतबा भी गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी बहुत अच्छी फैसिलिटी है, और जैसे कि ये बोलते हैं यहाँ पर, इससे कई ज़्यादा ये फैसिलिटी देते हैं वहाँ पर, और इनकी खिदमत वो भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। और वहाँ पर हमारे सब रिलेटिव्स, हमारे जो भी ग्रुप है, हमारे समझो फ्रेंड सर्कल ये वो, तो ये सब माशाल्लाह सानी टूर से ही जा रहे हैं, और अभी तक इसकी कोई भी ऐसी शिकायत आई नहीं। और इंशाल्लाह वहाँ पर सबके लिए, अपने यहाँ का जो माहौल चल रहा है उसके लिए इंशाल्लाह बहुत बहुत दुआएं करेंगे। आज आप उम्रे के लिए जा रहे, कौन से टूर से जा रहे हैं? ये सानी टूर से जा रहे। आपको कैसा मालूम हुआ है सानी टूर के बारे में? ये पहले हमारे दोस्त लोगों गए थे इनके साथ में, अच्छी सर्विसिंग दिए थे उन्होंने। हाँ, वहाँ जाने के बाद वतन के लिए क्या दुआ करेंगे? सब मुल्क के वास्ते दुआ करेंगे। कितने लोग अभी? लोग हम दोनों हैं, मियां बीवी। अल्लाह का लाख लाख एहसान है कि हम उम्रे को जा रहे हैं, हम सानिया टूर से जा रहे हो, वो एकदम अच्छी सर्विस देते हैं, इसलिए हमको मालूम पड़ा था हम वहाँ पर जा रहे हैं। वहाँ से दुआ करेंगे कि सानी टूर वालों को अल्लाह ताला अच्छा रखे। अस्सलाम वालेकुम। हम जो है तो उम्रे के लिए अल्लाह ताला ने हमको कबूल किया, और हमको मालूम पड़ा कि सानिया टूर अच्छा है, उसकी वो टूर से हमने सबने ये किए कि भाई वो टूर से जाना है। और हम यहाँ से जाकर अल्लाह ताला ने, हम खाने कावा में जाकर सबके लिए दुआ करेंगे, और अपने वतन के लिए दुआ करेंगे, पूरे हिंदुस्तान अमन और शांति के लिए दुआ करेंगे। मैं सानी टूर का शुक्रिया अदा करता हूँ, क्या उनकी सर्विस एक औरंगाबाद शहर में एक ब्रांड बन गई, और हमारे यहाँ से आज 13 लोगों का ग्रुप, हमारे हरसूल से 13 लोगों का ग्रुप जा रहा है, जो कि उसमें हमारे भाई है, भतीजे है, माँ बहनें हमारी यहाँ से जा रही है। और अल्लाह सानी टूर को ऐसी जजाय खैर दे और उनको कामयाबी दे, अल्लाह उनकी हर दुआ कबूल करे, और देश में शांति चैन अमन दे, अल्लाह से यही दुआ है। आज जो आप उम्रे के लिए जा रहे हैं, कौन से टूर से जा रहे हैं, और आपको कैसा मालूम हुआ इस टूर के बारे में, वो बताइए।
इस टूर के बारे में हमको, हम पहले दूसरे टूर्स में गए थे लेकिन बाद में इनकी इनका मालूमात गिरी कि इनकी सर्विस बहुत अच्छी है। हमने वहाँ से आके इनकी सानी टूर से हम जा रहे हैं, सानी टूर की बहुत सर्विस वहाँ की अच्छी है। माशाल्लाह सबों जो भी उम्रे से आए हुए हाजी आए हुए सबों ने ये उनकी तारीफ करे। कितने लोग जा रहे हैं हम यहाँ से? 30 लोग है हरसूल से, 10 लोग है, 13 लोग है हरसूल से, बाकी के सिटी से। सब की सरजमीन पर पहुँचने के बाद वतन के लिए क्या दुआ करेंगे? सब हम अपने वतन के लिए दुआ करेंगे, अपने वतन में अमन और शांति रहे ये दुआ करेंगे, सबके लिए भाईचारे के लिए दुआ करेंगे। जो आप उम्रा के लिए जा रहे हैं तो कौन से टूर से जा रहे हैं वो बोलिए? सानी टूर से जा रहे हैं। जो हमारे रिश्तेदार गए थे वो बोले सानी टूर वाले जो है अच्छी सर्विस देते हैं, इस वजह से हम हरसूल से 13 लोग जा रहे हैं एक साथ पूरे। वहाँ वतन मक्का में जब आप पहुँचेंगे तो हमारे वतन के लिए क्या दुआ करेंगे? वतन के लिए सही सलामत के लिए दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास उम्रे के लिए 13 लोग जा रहे हैं और सानी टूर से जा रहे हैं ये लोग। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी इससे पहले जो गए वहाँ पर उनको वहाँ पर एक उन्होंने जो है एक आलिम हाफिज आदमी वहाँ पर जो है पूरे अरकान करने के लिए रखे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी हर चीज़ पूरे अरकान करा के जो आदमी यहाँ से लाखों रुपए खर्चा करके जाता तो वो कामयाब होना इसलिए वहाँ जाता, और कुछ जो है टूर्स वाले वहाँ ले जाके छोड़ देते। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो है सानी टूर्स, ये सानी टूर से जितने भी लोग गए अल्हम्दुलिल्लाह इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया और सभी लोगों ने वहाँ के बारे में बताया कि हर अरकान वो पूरे कराते हैं, उनके पास वहाँ जो है जानकार आदमी उन्होंने साथ में दिए है, तो आलिम हाफिज आदमी उनके जैसा कोई वहाँ पर गाइडेंस नहीं कर सकता। आज जो टूर निकल रहा है आपकी फैमिली से कितने लोग जा रहे हैं? आज जो है ये हरसूल से आज ये हमारे फैमिली के लोग है सब, कोई जो है नवासे है, कोई भतीजे है, कोई पोतरे है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जो है हमारे बाबा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घर से जो लोग तकरीबन 13 लोग जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये कामयाब होंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं तो अल्लाह के घर जा रहा हूँ। अल्लाह ने मौका दिया है, परवरदिगार ने वो एहसान है परवरदिगार का कि मैं अल्लाह के घर जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि एक हमारे दोस्त है आरिफ भाई, उन्होंने सहनिया टूर्स का बताया है, वो हिसाब से आज पहली बार ऐसे सफ़र कर रहा हूँ और अल्लाह इस सफ़र को आसान करे। आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि मेरे लिए दुआ करें। कितने लोग जा रहे हैं? हम 2 लोग जा रहे हैं हमारे, मैं रहने वाला हूँ ऐसा जालना से हूँ, जालना में चंदन जीरा है एरिया, उस चंदन जीरे से हूँ मैं। अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों से भी गुजारिश है कि दुआ की दरख्वास्त है। रहमान रहीम, ये हमारा इमरजेंसी बना ग्रुप, ये हमारे कुछ हजाज ग्राम आए थे, वो चाह रहे थे कि हम बम्बई से जाए, वैसा आप जानते कि हमारा चिकल थाना एयरपोर्ट से जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये 30 लोगों का काफिला है जो इंशाल्लाह मुकम्मल 10 दिन है तो मक्का मुकर्रमा में रहेगा और 10 दिन मदीना मुनव्वरा में रहेगा। उसमें लोकल की ज्यारतें हमारे अपनी ज़िम्मे होती है और हम उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश करते हैं आसानी के साथ, सहूलत के साथ, बुज़ुर्गों की सहूलत के साथ उसको कराया जाए, और मदीना मुनव्वरा में इंशाल्लाह वहाँ पर भी 10 दिन रहेंगे और वहाँ की मुकम्मल ज्यारतें हमारे ज़िम्मे होगी। अब ज्यारतों का कैसा है, ये प्रचार के लिए नहीं, हम अपने तौर से करवा देते हैं, जैसे जाराना भी करवा देते हैं, बदर भी करवा देते हैं, गुज़श्ता ताइफ भी गए थे, ये पैकेज में नहीं रहता और हम उसका शोर भी नहीं करना चाहते कि भी हम बदर ले जा रहे हैं और ताइफ ले जा रहे हैं, और वो जो जितना वक्त के अतबार से मुमकिन होता है अल्हम्दुलिल्लाह उतनी कोशिश की जाती है। ये हमारे 30 हाजी पूरे अपने औरंगाबाद शहर ही के अल्हम्दुलिल्लाह। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।